हेलो दोस्तों, टेक्निकल हेल्प रास्ता में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों हम आज पढ़ाई के रिलेटेड बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों कि आप कहीं भी घूमने जाते हैं या कहीं भी आप गए या कहीं फ्रेंड के यहाँ गए, कोई भी काम से कहीं पर भी जाते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारी पढ़ाई मिस हो रही है, क्योंकि दोस्तों हर जगह हम बुक वगैरह तो लेकर जा नहीं सकते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर हमारे पास बुक होता तो हम यहाँ पढ़ते रहते। तो दोस्तों, आपके पास बुक रहेगा, कोई भी क्लास में आप पढ़ रहे हो कोई टेंशन नहीं। अभी आपके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, आप उससे कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों, वो एप्लीकेशन कौन सी है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसे नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो एप्लीकेशन कौन सी है और कैसे हमें पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। चलिए हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें आपको टाइप करना है ई पाठशाला। तो चलिए, हमने टाइप कर लिया और देखिए ये एप्लीकेशन हमारे सामने आ गई है। देखिए दोस्तों, इसका आप देख सकते हैं ये ऐसी एप्लीकेशन है, और इसका देखिए 500,000 डाउनलोड है और 4.4 की रेटिंग है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक अच्छी रेटिंग मिली है इसको, ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। और देखिए दोस्तों, कमेंट भी मैं आपको दिखा दूँ, हितेश यादव इन्होंने कमेंट मारा है वेरी हेल्पफुल। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। चलिए, मैं इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ इंस्टॉल करके, तो आप इसे फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए। और चलिए हम देख लीजिए इधर लिखा है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं वो एप्लीकेशन हमारी कहाँ पे है। देखिए, हमारे होम स्क्रीन पे जो है हमारी ये डिस पड़ी हुई है एप्लीकेशन। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपके पास ओपन होगा, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन आया है छात्र शिक्षक जो भी आप है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं छात्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये सिलेक्ट करने के बाद अपना नाम टाइप कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना फटाफट इसमें नाम टाइप कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, नाम टाइप करने के बाद आप कक्षा जो भी क्लास है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे जो भी क्लास आपका है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम नॉर्मली 8 क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए, 8 क्लास सिलेक्ट करने के बाद अब अपने विद्यालय का नाम इंटर कर लीजिए। तो चलिए मैं अपने विद्यालय का नाम इंटर कर लेता हूँ, VNGIC। तो दोस्तों, नाम सिलेक्ट करने के बाद अब जो है आप क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए, आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा लोड हो रहा है, ये क्या है, नेट मेरा स्लो है इसकी वजह से। तो दोस्तों, ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ट है, आप इसे एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए। ये एप्लीकेशन आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर ये एप्लीकेशन अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना दोस्तों। तो चलिए हम इसको थोड़ा लोड होने देते हैं, देखते हैं ये कैसा लुक हमारे सामने आता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आया है ई पाठ पाठ्य पुस्तकें ऑडियो वीडियो। तो दोस्तों देखिए, ई पाठ्य पुस्तकें में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लास ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, चाहे तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसे यहीं रहने देते हैं। फिर लैंग्वेज जो है भाषा में हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज। तो चलिए मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए दोस्तों, आपका विषय कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए, आपके पास जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं वो विषय आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं साइंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइंस सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारे सामने ओपन हो चुका है, विज्ञान आ चुका है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। फिर
देखिए इसमें सभी चीज़ आ गई है दोस्तों, फसल उत्पादन एवं प्रबंधक ऐसे जो भी है सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो जो आपको पढ़ना हो उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे मैं एक पर क्लिक किया पहले पर, तो इसे देखिए यहाँ डाउनलोड का एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। फिर देखिए ये बोल रहा है आयुषोर वन टू डाउनलोड बुक्स, तो दोस्तों हम ठीक है पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखिए ये कुछ इस प्रकार से लोडिंग होगा, डाउनलोडिंग। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन है मेरी किताबें, इस पर एक आ चुका है, और जितने घंटे आप पढ़ेंगे वो यहाँ पर आपका घंटा दिखाएगा कि इतना घंटा हम बुक पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वो बुक कैसी है, मेरी किताबें पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो हम इसे बैक ले लेते हैं। फिर ये देखिए कुछ इस प्रकार का, फिर और बैक ले लेते हैं। फिर देखिए ई पाठ्य आ गया, तो यहाँ पर हम क्लिक नहीं हो रहा है। तो देखिए उसके साइड में जो ऊपर है बुक का निशान, उस पर हम क्लिक किए, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा बुक आ चुका है विज्ञान, इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर देखिए यहाँ जो हमने डाउनलोड किया था, एक डाउनलोड किया था तो एक ही दिख रहा है, फिर इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमारा बुक जो है ओपन हो चुका है। तो अब देखिए इस प्रकार से है, तो आपको तो दिख ही रहा होगा किस प्रकार से मैं टच कर रहा हूँ, तो जैसा मैं टच करूँगा वैसे ही आप देखना। तो देखिए दोस्तों इसे स्लाइड करना है, जैसे ही देखिए इधर से खींचेंगे तो ये हो जाएगा इधर से, तो ये जैसे ही इसे आप दाएं से बाएं स्लाइड करेंगे वैसे ये पेज पलटता जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेज पलटता जा रहा है, जो भी आपका बुक है वो आपका बुक यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, अभी इसको नया नया लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों आप इससे आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी इस एप्लीकेशन का लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।